विलापगीत अध्याय तीन। विलापगीत अध्याय तीन। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूं। वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे में ही चलाता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी सांखली से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दोहाई देता हूं तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। वह मेरे लिए घात के लिए बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपनी तीरों से मेरे हृदय को बेद दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया है और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है और मुझको मन से उतारकर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूं, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नाश हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नागदौना और विष का पीना स्मरण कर। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती जाती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। पृथ्वी भर के बंधुओं को पाव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन तीन कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वह कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परमप्रधान की आज्ञा से नहीं होते? सो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस खाए घात किया है। तूने अपने को मेघ से घेरा है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में
कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब मनुष्यों ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। भय और गड्ढा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। तेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहते हैं। जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर न देखे, अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता है। जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं, उन्होंने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा आहेर किया है। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। मेरे सिर पर से जल बह गया है। मैंने कहा, मैं अब नाश हो गया। हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूं उससे कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। हे यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसे तूने देखा है। तू मेरा न्याय चुका, और जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध की उन्हें भी तूने देखा है। हे यहोवा, जो कल्पनाएं और निंदा वे मेरे विरुद्ध करते हैं वे भी तूने सुनी है। मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं उन्हें तू जानता है। उनका उठना बैठना ध्यान से देख। वे मुझ पर लगाते हुए गीत गाते हैं। हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनका बदला देगा। तू उनका मन सुन्न कर देगा। तेरा शाप उन पर होगा। हे यहोवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़ खदेड़ कर धरती पर से नाश कर देगा।